प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अभिषेक सा फोटोग्राफी में। तो जैसे कि पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे टॉप 10 बेस्ट सेलर फोटोज कौन कौन से और टॉप 5 बेस्ट सेलर वीडियोज कौन कौन से, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो आप लोग देखें। मैंने उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको वो वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन पे दिख जाएंगे। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि शटरस्टॉक से बैड न्यूज क्या है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि शटरस्टॉक ने ये सही किया या गलत किया, आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएँ। तो जी, शटरस्टॉक ने कल शाम 8 बजे के करीब में मुझे ये मेल भेजा जिसमें लिखा हुआ है, हेलो अभिषेक कुमार साह, इन द कमिंग वीक शटरस्टॉक विल बी अपडेटिंग द अर्निंग स्ट्रक्चर। तो जी बेसिकली मैं बता दूं कि इस मेल में मुझे क्या मिला है। तो इस मेल में हमें जो मिला है वो बताया गया है कि हम लोगों का जो अर्निंग स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जा चुका है और वो 1 जून 2020 से लागू हो जाएगा। जी हाँ, हम लोगों को पहले जो अर्निंग स्ट्रक्चर मिलते थे अब वो पूरा की पूरा चेंज हो गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि एज ऑफ नाउ यू आर इन लेवल 4। तो मैं अभी नया जो अर्निंग स्ट्रक्चर आया उसके हिसाब से मेरा जो लेवल है वो लेवल 4 में, यानी कि मैं लेवल 4 में अभी एग्जिस्ट करता हूँ। अब ये लेवल 4 लेवल 1 ये क्या है, आप लोग शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। ओके, तो मैं पहले पुराने नए स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं आप लोगों को पुराने स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि पुराना अर्निंग जो स्ट्रक्चर था वो किस टाइप का था। तो पहले जो अर्निंग स्ट्रक्चर था वो था, अगर आपका लाइफ टाइम का अर्निंग जो है वो 0 से $500 के बीच में है तो आपको सब्सक्रिप्शन के 25 सेंट मिलते थे और ऑन डिमांड जो सेल होते थे उनके 1.88 सेंट्स मिलते थे, ठीक है। लेकिन और उसके बाद सेकेंड में जो था वो 500 से 300,000 अगर आपका टोटल लाइफ टाइम अर्निंग है तो आपको 33 सेंट पर डाउनलोड के मिलते थे और ऑन डिमांड पे $2.48 मिलते थे। उसके बाद थर्ड लेवल में था 3,000 से 10,000 के बीच में जो आपका लाइफ टाइम अर्निंग है तो आपको 36 सेंट मिलते थे और ऑन डिमांड पे आपको $2.70 मिलते थे। और वहीं पे अगर $10,000 से अगर आपका ऊपर था तो आपको 38 सेंट मिलते थे एक डाउनलोड के और $2.85 एक डाउनलोड के ऑन डिमांड पे मिलते थे। और वहीं फुटेज में अगर देखा जाए वीडियोज में तो आपको कोई भी अगर वीडियो आपका सेल होता है तो उस पर 30% आपको बेनिफिट दिया जाता था, मतलब 30% का आपको अर्निंग्स होता था। जो भी अर्निंग्स आपका अगर वीडियो जितने भी प्राइस में बिके उसका 30% आपको दिया जाता था। बट नया जो स्ट्रक्चर आया उसमें ये टोटली चेंज कर दिया गया है। उसको टोटली चेंज करके उन्होंने नंबर्स ऑफ डाउनलोड्स पे टोटली सब कुछ डिपेंड कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो लाइफ टाइम अर्निंग था इसको चेंज करके उन्होंने नंबर्स ऑफ डाउनलोड्स पे सारा कुछ चेंज कर दिया है। तो नया वाला जो अर्निंग स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आप लोगों को पहले दिखा दूँ। ये देखिए, इमेज और वीडियोस दोनों के लिए अलग अलग उन्होंने अर्निंग स्ट्रक्चर बनाया है। पहले जो था वो एक ही था जिसमें आपको जो लाइफ टाइम अर्निंग था उसके ऊपर अर्निंग ब्रेकडाउन बोलिए या फिर अर्निंग स्ट्रक्चर बोलिए वो डिपेंड था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्होंने दो नए नए स्ट्रक्चर बना दिए जिसमें इमेज का अलग बना दिया और वीडियोज का अलग बना दिया। इमेज में क्या बनाया कि अगर आपका ईयरली जो डाउनलोड्स है वो 100 से कम है तो आपको 15% का पे रेट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि अगर आपका 100 रुपये, मैं रुपये में पकड़ता हूँ क्योंकि उससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी, अगर आपका फ़ोटो 100 रुपये में बिकता है तो आपको केवल 15 रुपये दिया जाएगा जब आप लेवल 1 में होंगे। और अगर आप लेवल 1 से लेवल 2 में भी जाते हैं तो आपको 100 रुपये में केवल 20 रुपये दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है लेवल 3 में, आपको अगर 251 फोटोज से 500 फोटो अगर डाउनलोड होते हैं साल भर में तो आपको केवल परसेंट यानी कि 25 रुपये, 100 रुपये का 25 रुपये आप लोगों को दिया जा रहा है। लेवल 4 में वैसा ही है कि आपको 501 से 2500 अगर फोटोज है तो आपको 30% आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। और लेवल 5 लेवल 6 में आपको उसी प्रकार 35% और 40% है। मेरा जो अभी आप लोग देख रहे हैं लेवल 4 में मैं हूँ, यानी कि मेरा जो डाउनलोड्स है वो 500 से 2500 के बीच में, इसीलिए मुझे अभी 30% के हिसाब से मुझे पे रेट मिलेंगे। वही वीडियो में अगर देखा जाए तो वीडियो में उन्होंने जो चेंजेस किया, सबसे जो बड़ी चेंजेस किया वीडियो में, कि अगर आपका ईयरली 10 से नीचे का अगर वीडियो सेल है तो आपको केवल 15% सेल का वो रेट देंगे, जो कि पहले 30% था, यानी कि टोटली 50% उन्होंने पैसा आपका खा गया या फिर जो भी बोलो आप। उसके बाद लेवल 2 में जो है वो अगर आपका 11 से 50 डाउनलोड होता है अगर साल का
तो आपको वो लोग 20% देंगे, यानी कि 10% यहाँ भी लेस। आपको वह उसके लिए भी 11 से 50 आपको डाउनलोड्स बीच में रहना होगा, यानी कि साल भर में 11 से 50 डाउनलोड्स आपके होने चाहिए। लेवल थ्री में जो है वो है 51 से 250, यानी कि आपका अगर 51 से 250 डाउनलोड्स के बीच में आपका वीडियो डाउनलोड है तब आपको 25% आपके बेनिफिट होंगे। यानी कि आपका अगर आपका एक वीडियो जो है वो $100 का सेल होता है तो आपको वहाँ पे केवल $25 मिलेंगे, जो कि पहले 30% था। यानी कि आपको पहले $30 मिलते थे, अब जो है वो $25 मिलेंगे। और नेक्स्ट जो है लेवल फोर है, ये जो लेवल है ये हम लोगों को पहले मिलते थे, जिसमें क्या था कि हम लोगों को 30% मिलते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने दे दिया कि 251 से 500 डाउनलोड्स आपके वीडियोज होने चाहिए। तो ये मतलब मेरे लिए देखा जाए या फिर मेरे जैसे छोटे जो कंट्रीब्यूटर हैं उनके लिए देखा जाए तो ये टोटली इम्पॉसिबल है 250 से 5000 के बीच में आना, क्योंकि वीडियोस जो सेल होते हैं वो काफ़ी कम सेल होते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ नए ये हाउ इट वर्क्स बोल करके उन्होंने कुछ नए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी दे दिया है। उसमें क्या दिया है उन्होंने कि आपका जो अर्निंग्स है वह पहले जो अर्निंग्स के ऊपर आपका लेवल डिसाइड होता था वो अब नंबर्स ऑफ डाउनलोड्स के हिसाब से आपका लेवल्स डिसाइड होगा। और नेक्स्ट जो सबसे कंट्रोवर्सल जो बात उन्होंने बोला है कि आपके जितने भी नंबर्स ऑफ लेवल्स आप जितने भी क्रॉस करो जहाँ भी जाओ, आपके अगले साल यानी कि 2021 में जब आप जा रहे हो तो 1 जनवरी से आपका जो लेवल है वो फिर से लेवल 1 पे आ जाएगा। ये सबसे बुरी बात है कि अगर आप साल भर में लेवल 6 तक जाते हो या फिर लेवल 5 तक जाते हो और आप 30% अर्निंग कर रहे हो और फिर अगर जनवरी में आप जा रहे हो तो जनवरी में आपका लेवल फिर से लेवल 1 पे आ जाएगा, यानी कि आप फिर से 15% अर्निंग पे चले जाओगे। तो ये सबसे बुरी जो बात लगी हम लोगों को वो ये लगी कि आप साल भर मेहनत करो, साल भर आपका जो भी अर्निंग हो उसके बाद फिर से आपका जो अर्निंग है वो एकदम कम 15% पे आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको फिर से मेहनत करके 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 लेवल 4 लेवल 5 पे जाना होगा, तब आप जा करके कुछ पैसे कमा पाओगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है देयर आर सेपरेट लेवल फॉर इमेजेस एंड वीडियोज, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पहले जो लेवल था वीडियो जो इमेज के लिए वो एक ही था। आप वीडियो अगर वीडियो बेच रहे हो या फिर केवल इमेज बेच रहे हो, आपका अगर $500 से बीच में है या फिर 500 से ऊपर है तो आप लेवल 2 में चले जाते हो, और या फिर अगर आपका $3000 से ऊपर है तो आप लेवल 3 में चले जाते हो और आपका जो अर्निंग्स है वो बढ़ जाता है। लेकिन अब जो उन्होंने कर दिया, लेवल वीडियो के लिए अलग कर दिया और इमेज के लिए उन्होंने लेवल जो है वो अलग कर दिया। तो आपको इमेज के साथ साथ अगर आपका वीडियो भी सेल होता है तभी आपका वीडियो का जो रेट है वो बढ़ेगा, अगर नहीं होता है तो आपका वीडियो का रेट नहीं बढ़ेगा, आपका केवल इमेज अगर सेल होता है तो इमेज का रेट बढ़ेगा। तो जी, ईमेल के बाद हम लोगों को अगर देखा जाए तो अगर आप शटरस्टॉक पे है तो शटरस्टॉक के जो फॉरम होता है या फिर शटरस्टॉक का जो ब्लॉग होता है उसमें भी उन्होंने ये ब्लॉग में लिख दिया है और उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा है कि आपको इस टाइप के अर्निंग्स के लेवल पे जाने होंगे तब आपको जा करके ना अर्निंग होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और इसके होने के बाद आप कितना अर्निंग करोगे और इसके होने से पहले आप कितना अर्निंग करते थे। तो जो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इसके आने के बाद आप लोग कितना अर्निंग करोगे और पहले कितना अर्निंग करते थे। तो पहले जो अर्निंग जो बेसिक जो स्टार्टिंग में हम लोग जो नए नए जाते थे तो हम लोगों को पर डाउनलोड के 25 सेंट मिलते थे, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो 16 से 17 रुपये हम लोगों को पर डाउनलोड के मिलते थे। वहीं अब क्या होगा, अब आपका जो डाउनलोड्स का जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डाउनलोड जो होंगे वो देखिए शटरस्टॉक कस्टमर को बेचता है, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ चार्ट। शटरस्टॉक का जो वहाँ आप देख सकते हो, शटरस्टॉक की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप देख सकते हो। तो शटरस्टॉक का जो सब्सक्रिप्शन का प्लान है कस्टमर के लिए वो किस इस प्रकार का है कि 750 इमेज अगर आप साल भर में डाउनलोड्स करते हो तो उसके लिए आपको अराउंड $249 पे करना पड़ेगा,
जिसको अगर देखा जाए तो आपको पर डाउनलोड के केवल 33 सेंट पे करने पड़ रहे हैं। मतलब अगर आप कस्टमर हो तो आपको एक फ़ोटो के केवल 33 सेंट पे करने पड़ रहे हैं। और हमें क्या था पहले 33 सेंट शटरस्टॉक हमें देता था, अब क्या होगा शटरस्टॉक जो है वह 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस प्रकार के वो परसेंटेज पे बांट देगा। अब क्या होगा कि आपको 33 सेंट का 10%, 15%, 20%, 25 और 30% इस प्रकार के मिलेंगे। यानी कि अगर आपका एक फोटो 33 सेंट में बिकता है तो उसका 15% ही आपको दिया जाएगा, जो कि काफ़ी कम होता है, अराउंड 6 से 7 सेंट का होता है। लेकिन शटरस्टॉक ने हमें क्या क्लियरिफाई दिया कि सबसे जो मिनिमम जो प्राइस होगा वो 10 सेंट होगा, जो कि आप लोगों को मिलेगा, कि 10 सेंट से नीचे आप लोगों को नहीं जाएगा, मतलब आप लोगों का जो अर्निंग है वो 10 सेंट से नीचे नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये चार्ट है टोटल कि आप लोगों को टोटल कितना मिलेंगे, इसमें बेनिफिट क्या है लॉस क्या है वो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट इसमें पूरा का पूरा हम लोगों का लॉस है। लॉस ये है कि हमें जहाँ पे 33 सेंट एक डाउनलोड के मिलते थे अब 10 सेंट मिलेंगे, यानी कि पहले जहाँ मुझे 22 रुपये एक फ़ोटो के मिलते थे डाउनलोड्स के, वहाँ अब केवल 7 से 8 रुपये मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि टोटल 60-70% मेरा लॉस हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग ये पूरा चार्ट देख सकते हो, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं इसका जो फोटो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप लोग ये चार्ट देख लेना कि हम लोग किस लेवल पे रहेंगे तो कितना अर्निंग कर सकते हैं, और किस लेवल पे अभी है आप लोग तो कितना अर्निंग करोगे इस चार्ट में वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा यही क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों को ये इस डील क्या अच्छा लगा या ख़राब लगा। आई होप कि आप लोगों को ख़राब ही लगा होगा, कि देखिए एक्चुअली क्या होता है शटरस्टॉक पे हम लोग जो है कुछ लोग जो है वो फुल टाइम काम करते हैं और कुछ लोग जो है वो केवल पार्ट टाइम आते हैं, कुछ फ़ोटो अपलोड किए और चले गए, इस टाइप का होता है। तो जो फुल टाइम अगर काम कर रहे हैं ये चीज़ अगर उनके लिए भी एप्लीकेबल है तो होता क्या है कि उनका जो फुल टाइम अर्निंग है, मान लो दिसंबर तक वो लेवल 5 तक पहुंच भी गया, मान लो मैं अगर दिसंबर तक या फिर नवंबर तक लेवल 5 में पहुंच भी गया, मेरा एक अच्छा खासा उस समय एक अर्निंग होना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मैं जैसे ही ज़्यादा अर्निंग करूँगा जनवरी के स्टार्टिंग में क्या होगा कि मेरा जो लेवल है फिर से लेवल 1 पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो एक अर्निंग का जो एक मंथली बेस बन गया था कि हाँ मैं मंथली इतना अर्निंग कर रहा हूँ, वह पूरा कम होकर के वो पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब उसका आधा हो जाएगा। तो इससे लॉस क्या होगा, हम ही लोग का। और सेकंड लॉस क्या हो रहा है कि आप लोगों का जो वीडियो है वीडियो में लॉस हो रहा है। वीडियो में मुश्किल से कुछ ही वीडियोग्राफर या फिर कुछ ही प्रोफाइल ऐसे होंगे जिनको लेवल 4 में आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम सेल होता है वीडियो का। और वैसे भी अभी जो रेट चल रहा है वीडियो का जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो गया है। तो अगर $9 या $10 में एक वीडियो सेल हो रहा है तो आपको एक वीडियो के केवल 2.5 या फिर $2 मिलेंगे, यानी कि पहले जो $20-25 मिलते थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि मेरे एक एक जो वीडियो है वो $40-50 में बिके हैं, लेकिन अब क्या होंगे वो $2-5 में बिकना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा लॉस है। तो जैसा कि फोटोज में भी मैं बता दूँ, फोटोज में जहाँ पे मैं पहले 3 फ़ोटो सेल होता था मेरा तो मुझे $1 का बेनिफिट होता था, अब क्या होगा कि मुझे 10 फ़ोटो डाउनलोड करवाने होंगे या फिर 10 फ़ोटो सेल करवाने होंगे तब जा कर के मेरा $1 बनेगा। तो ये टोटली यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप लोगों को इसमें सही लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या आपको लगा, और अगर आप लोगों को गलत लगा तो आप लोग भी मेरे जैसे शटरस्टॉक को थोड़ा मेल कीजिए और उनसे पूछिए कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया और आप लोगों का क्या मनसा है। आई होप कि आप लोग भी मेरे जैसे ही सोच रहे होंगे अभी, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम आएगी आप लोगों की, क्योंकि आप लोग जो है अभी बिगनर्स होंगे। मेरे जितने भी अभी तक सब्सक्राइबर हैं वो अभी बिगनर्स हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप बिगनर्स को ही आएगी, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा अपलोड नहीं करोगे, ज़्यादा वर्क नहीं करोगे तो क्या होगा, आप लोग लेवल 1 पे रहोगे, और लेवल 1 पे रहने के कारण क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ही कम पैसे का अर्निंग होगा, और बहुत कम पैसे का अर्निंग होने के कारण क्या होगा, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप लोग इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दोगे। लेकिन आप जो बिगनर्स आओगे उसमें क्या होगा कि आप लोग काफ़ी मेहनत करोगे, काफ़ी अपलोड करोगे, काफ़ी काम करोगे, लेकिन आप लोगों का सेल नहीं बढ़ेगा, सेल नहीं बढ़ेगा तो आप लोगों का पेरेट नहीं बढ़ेगा, पेरेट नहीं बढ़ेगा तो आप लोगों को बेनिफिट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे, मतलब आप लोगों को काम में मन नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा ये।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर वीक में कुछ ना कुछ वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।